हेलो दोस्तों, फैक्ट्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी समय यात्रा की घटना के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही समय यात्रा के बारे में बताऊंगा जो कि यूएसए के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया गया था। 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाजों को बचाना था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे जहाज कुछ देर के लिए बिल्कुल अदृश्य हो गया। तो चलिए जानते हैं आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने समुद्र में मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे थे। इन माइंस से समुद्री जहाजों को बचाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक प्रयोग का नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली जिससे समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले यह प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर भी किया था जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रीज पर करने की सोची। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए गए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि वह जहाज रडार से भी गायब हो गया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि गायब होने के कुछ देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया जहां से वह फिर गायब हो गया। 24 घंटे के बाद जहाज को दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर देखा गया, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर्स मर चुके थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे और जो लोग किसी तरह सही सलामत बच गए थे उनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह सब पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि यह सभी लोग समय यात्रा करके आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि गायब होने के दौरान यह जहाज 1983 के समय में पहुंच गया था जहां वो सभी लॉन्ग आइलैंड में बसे एक खुफिया स्थल पर पहुंच गए थे। लेकिन यूएस नेवी ने ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट को किए जाने से साफ इनकार कर दिया। पर कुछ लोगों ने इसका बिल्कुल सच होने का दावा भी किया जो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए थे और जहाज पर मौजूद थे। और 1984 में इस एक्सपेरिमेंट पर एक मूवी भी आई जिसका नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस मूवी में एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।